अब यहाँ पर देखो भैया, आज जो स्टार्ट होना आपका टॉपिक वो क्या है भैया? पूर्णांक। मैंने क्या बताया था, पूर्णांक क्या होते हैं? अच्छे से बताया था तुमने कि पूर्णांक क्या होते हैं, जिसमें जीरो भी आता हो और ठीक है ना, और ऋणात्मक संख्या भी आती है और धनात्मक संख्या भी आती है। जैसे भैया हमने मान लिया, मान यहाँ पर अनंत है ठीक है, और यहाँ से हमारी संख्या आई माइनस के तीन, माइनस के दो, माइनस के एक, और क्या होगा आपका जीरो, एक, दो, तीन, चार, डॉट 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 डॉट, इधर भी अनंत तक और इधर भी अनंत तक। अब भैया पूर्णांक संख्या भी होती है दो प्रकार की होती है ठीक है ना। अब कहेंगे क्या, जहां पर आपका पूर्ण संख्या दो दो चीजों में बढ़ी है, पूर्ण संख्याएं में, और एक आपका आता है क्या, ऋण पूर्णांक ठीक है ना। अच्छा भैया पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, अब तुम्हें अच्छे से बताया, इन्हें भी हम दो चीजों में डिवाइड कर देते हैं, पहले क्या जीरो और एक में क्या आ जाता है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं ठीक है भैया। ये तो जीरो है ही, ये कहूंगे आपकी एक, दो, तीन, ये आपकी अनंत ठीक है। ये क्या होती है भैया, माइनस के एक, माइनस के दो, माइनस के तीन, डॉट डॉट डॉट, ये भी आपकी ठीक है ना। नोट करो पहले भैया, यहाँ पर जाए शून्य लिख दो, शून्य इस प्रकार से नोट करो। अब यहाँ पर देखो भैया, इसका मतलब क्या है, लिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखे। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है उसका उल्टा, चिन्ह का उल्टा ठीक है। जैसे कोई प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, अरे माइनस होगा तो प्लस। तो भैया उधर से स्टार्ट करते हैं, प्रियांश बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर भैया माइनस के नो होगा। विशाल भैया इसका आंसर क्या होगा, इसका प्लस के 21। प्लस के 21। याची बताओ, याची बताओ इसका आंसर क्या होगा, देख रहा बताओ, माइनस के 39। अब यहाँ पर बेटे किसी को बताना नहीं है, सबको अपना अपना आंसर देना ठीक है ना। अच्छा ये बताएंगे प्रिंस, प्लस के 41, प्लस के भैया 41, और भैया क्या नाम है आपका, पवन भैया माइनस के 51, माइनस के 51, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो, मैं नोट कर लीजिए। अब भैया ये है, संख्या रेखा पर खींचिए, यानी संख्या रेखा आपकी इसकी खींचनी। जैसे भैया अब तुम्हें अच्छे से मैंने बता दिया, ये आपकी रेखा है, बताइए ये आपकी यहाँ से यहाँ तक क्या है रेखा। अच्छा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ आपका जीरो, जीरो ये एक है, ये दो, दो है, तीन, चार, पाँच, ये ऐसे रहेंगी, इधर क्या होगा माइनस के एक, माइनस के दो, माइनस के तीन, माइनस के चार, ये इधर को बढ़ते रहेंगे ठीक है। अब कहाँ है प्लस के चार, कहाँ पर होगा, तो यहाँ से एक इस प्रकार से उठेगा, और प्लस के चार कहाँ होगा भैया, यहाँ यहाँ पे, ये यहाँ प्लस के चार, बताओ कि समझ नहीं आई, आई ये बात आई तुम्हें समझ में। उसके बाद यहाँ पर आप इस प्रकार से ये लिख दो, अच्छा माइनस के नौ है, जैसे हमने संख्या रेखा बनाई होगी किस प्रकार से, इस प्रकार से। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जीरो, ये माइनस के एक, माइनस के दो, माइनस के तीन, माइनस के चार, फिर माइनस के क्या गया, पाँच, माइनस के छह, इसी प्रकार से बढ़ा लो आपको क्या दिक्कत आ रही है, माइनस के सात, माइनस के आठ, भैया माइनस के नौ, बढ़ती रहेंगे इधर को। अब उधर की लिखने की जरूरत नहीं, क्यों भैया ये माइनस के नौ पूछा, यहाँ से आपका खड़ा हो जाएगा और कहाँ तक जाएगा आपका, ये नौ तक आपका चल जाता। तो ये बताओ ये सभी क्वेश्चन एच डब्ल्यू में दे दो तो कर सकते हो, ठीक है तो भैया नोट करो जल्दी से। अब यहाँ पर देखो भैया, अब करेंगे क्या, अब हम तुम्हें थोड़ा चिन्हों का ज्ञान बताते हैं, चिन्हों का ज्ञान कैसे होता है। जैसे भैया हम कहें, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको भैया, अब यहाँ पर देखिए। अच्छा मैं आपको बता रहा चिन्हों का ज्ञान कैसे है भैया, मान लो ये आपका प्लस है और ये आपका प्लस है और हमें इन दोनों को जोड़ना है ठीक है ना, तो भैया क्या आएगा, माइनस, माइनस मुझे प्लस आएगा। एक मिनट रुको बेटा, सब बताऊंगा अच्छे से, मुझे
स्टैंड बता हुआ है और स्टैंड नाम का क्या भैया ऊपर वाले में प्लस आएगा। एक मिनट रुक जाओ यहाँ पे योग का मतलब क्या है, इन दोनों में अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस। अब शांत जाओ, अब यहाँ पर देखो जी भैया, अब हम यहाँ पर थोड़ा आपको समझाएंगे। प्लस वाले को कहा हमने साफ पानी, क्या कहा? साफ पानी। माइनस वाले को कहा गंदा पानी, गंदा पानी। ठीक है, अब भैया यहाँ पर देखो, ये है हमारा ठीक पानी, जिसमें साफ का है, और ये हमारा माइनस गंदा पानी। ठीक है, अब एक बात और, हम दोनों को जोड़ दिया, साफ पानी में गंदा पानी मिला दिया, और एक बाल्टी हमने भैया जी बना। ठीक है, जिनका हम दोनों ने इसमें डाले हैं पानी, और ध्यान देता ना, हाँ सोच समझ के, इसमें साफ पानी, इसमें गंदा पानी, यहाँ पर लिखा हमने साफ पानी, इसमें लिखे गंदा पानी। या फिर एक मिनट पहले ही स्टार्ट करते हैं साफ साफ पानी से, दोनों प्लस के। जब ये साफ पानी है और ये भी साफ पानी है, और दोनों बाल्टी का पानी इस बाल्टी में डाल दिया, तो बताओ कैसा पानी मिलेगा? साफ। भाई जब ये भी साफ है, ये भी साफ, तो कैसा पानी मिलेगा तुम्हारा? साफ, यानी प्लस प्लस प्लस। आगे बात सुन, अब इसमें तो है साफ पानी, और इसमें कैसा पानी भर दिया हमने? गंदा गंदा। अब भैया इसमें तो बिल्कुल साफ पानी, इसमें तुमने नाली का पानी भर के किसी के हाथ में रख लिया, लो पी लो, कैसा पानी जाएगा? गंदा। इसका मतलब क्या हो गया? ये माइनस गंदा क्या रखा था? माइनस गंदे कैसे सीन है? माइनस। अब क्या करा? अब यहाँ पर तो लिख दिया हमने गंदा पानी, क्या लिख दिया आपके? गंदा पानी। और इधर क्या है आपका? साफ पानी। तो अब बताना कैसा पानी बन जाएगा अगर मिला? साफ बन जाएगा। जब गंदे में साफ मिलाओगे तो साफ बन जाएगा? गंदा गंदा। तो क्या हो गया? माइनस। अब बात यह है, अगर यो भी गंदा हो भैया, और यो भी गंदा हो, यो भी गंदा हो, जो भी गंदा, तो कैसा बनेगा? गंदा साफ। अब देखो, मैंने इसमें गंदा पानी लिया, इसमें गंदा पानी लिया, और दोनों में डाल दिया, तो साफ बन जाएगा क्या? गंदा गंदे जाएगा ना, गंदा। लेकिन वो गंदे गंदे क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे बाबू में? जुड़ जाएंगे। लेकिन क्या बोलेंगे? ले किन चिन्ह चिन्ह माइनस का आता है, आता है भैया, कैसे संबंध में नहीं आएगा? देखो अब करा क्या हमने भैया, पांच लिया और माइनस के दो लिया, ठीक है ना? लेकिन हाँ, इसका एक नियम और है। अब तुम कहोगे ये प्लस के ये माइनस के, ये प्लस के ये माइनस के, आंसर क्या माना चाहिए? माइनस में। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो कायम आएगा भैया प्लस में, क्योंकि पांच बड़ी है, ठीक है ना? अब एक और लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, जिसके आगे जो चिन्ह है, जिसके आगे जो चिन्ह है, अगर वो संख्या ज्यादा वाली हुई तो वही वाला चिन्ह था। कैसे? अब यूं वही माइनस के छह लिख दिया, ठीक है ना, और मैंने इसे घटा दिया 15। अब ये बताओ किसके आगे कौन सा चिन्ह है, तो बताना। 15 के आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस के। 6 के आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस के। तो 6 बड़ा या माइनस, वो 6 बड़ा है 15 बड़ा? 15 बड़ा। तो 15 के आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस। तो भैया आंसर भी उसमें आता है, जो उनकी संख्या के आगे प्लस वाली संख्या, जैसे प्लस का गया, तो प्लस आगे कितना आपका? 21। ये जाएगा 15 में से हम 6 घटा, कितना आएगा? प्लस के 9। नहीं बात समझे? अब मैं मानने लगा भैया आपका 5 ये है और माइनस के 8 ये है। अब ये बताओ 5 के आगे कौन सा चिन्ह है? देखो 5 होता है छोटा, 8 होता है बड़ा, ठीक है ना? 8 के आगे कौन सा चिन्ह है?
माइनस का, ठीक है। तो भैया आठ बड़ा है तो आठ का ही चिन्ह यहाँ पर लिया जाएगा, बताओ नहीं बात समझ में। माइनस के आज आसन में, अगर भैया ऐसे भी नहीं आई समझ में तो दूसरी ट्रिक और है। कैसे भैया फिर भी देख लो एक बार, जैसे यो है ठीक है ना, तो हमेशा प्लस वाई संख्या ऊपर लिख दो और माइनस वाली वाले को नीचे। बताओ पंद्रह में सोलह जा सके हैं क्या? तो भैया माइनस की क्या बचेगा आपका? एक माइनस एक। और मैंने भैया ऐसे लिख दिया, इस बार क्या करेंगे आठ ऊपर लेंगे, क्यों प्लस वाई संख्या तो ऊपर ले रहे हैं, माइनस वाई नीचे, आठ में छह जा सके तो ये प्लस के दो आंसर आएगा। बताओ सर माए नोट कर लो तुम्हें अच्छे से, यहाँ पर देखो भैया। अच्छा अब इसमें एक और आम पर रह गया, जैसे भैया आपका माइनस के पांच आ गया तो माइनस के तीन आ गया, भैया पांच बाल्टी गंदा पानी और तीन बाल्टी गंदा पानी तो कितने बाल्टी गंदा पानी हो गया? आठ। तो आठ तो तुम्हारा हो गया गंदा, अच्छा क्या गंदा पानी? तो भैया गंदा पानी में तो माइनस है ना, इसमें माइनस माइनस प्लस होता, लेकिन चिन्ह का क्या था? माइनस। माइनस माइनस हो गया प्लस हो गया नहीं हो गया, नहीं चिन्ह का क्या था हमारे यहाँ पे? माइनस। ठीक है भैया, और मैंने देखा माइनस के पंद्रह माइनस के पाँच, तो फिर आंसू क्या आंसर आगा ये समझ रहे हैं तो बताओ मिसाल। गंदा पानी है तो जब पंद्रह पानी गंदे हो गए, पंद्रह गिलास गंदे पानी हो गए, गंदे गिलास के पांच और हो गए तो कितने हो टोटल? बीस। लेकिन है तो गंदा पानी, इसलिए अच्छा माइनस के छह माइनस के दो क्या आ रहा भैया विशाल? माइनस के आठ, माइनस के आठ, ठीक है। अच्छा दो पूर्णांकों का योगफल भैया पूर्णांक होता है, क्या होता है पूर्णांक? यहाँ पर देखो दो धन पूर्णांकों का योगफल, धन पूर्णांक है मतलब जैसे प्लस की संख्या ये है आपकी पांच, प्लस की ये है, तो बताओ माइनस में आएगा या प्लस में आएगा? प्लस में आएगा, तो प्लस के साथ आएगा। तो भैया ये कह रहा है दो धन धन मतलब प्लस पूर्णांक मतलब ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो क्या आंसर आ रहा तुम्हारा? प्लस। ठीक है, तो ज्ञान मिल गया धन पूर्णांक होता है। अच्छा दो ऋण पूर्णांक भैया ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो आंसर कहां आया था? माइनस में, तो यहाँ पर लिखो ऋण पूर्णांक होता है, ऋण नाम होता है। ठीक है आई बात समझ में, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखो भैया, पहले मैं कोई दो सवाल मुझसे पूछ लो बाकी मैं बता देता हूँ, तो सबसे पहले मैं दो सवाल बता रहा हूँ। देखो पहली बात तो देखो बीच में है प्लस, ठीक है ना, तो पहले तो माइनस क्या आपका आगे क्या बात, ठीक है ना। अच्छा यो भी प्लस और यो भी प्लस, प्लस प्लस क्या बताया था? प्लस, इसका मतलब प्लस के आठ माना आ जाता है। अब देखो अब बताओ क्या आ रहा, मैंने ये बताई थी जिसके आगे जो ज्यादा वाली के आगे जो चिन्ह होगा वो चिन्ह आगा, इसमें आठ है और ये बारह है तो माइनस का चिन्ह आगा, इसमें माइनस का चार, माइनस के चार सही है। अगर ऐसा समझ में नहीं आया तो कर लो प्लस वाले ऊपर लिखो माइनस वाले नीचे, जा सकता है क्या? नहीं जा सकता तो माइनस के चार आपका आंसर होगा, अगर तुम्हें ऐसा करने बस होगा तो ठीक है भैया। तो ये बताओ आज की क्लास कैसी लगी? ठीक है भैया, तो क्लास आपकी ठीक 11 बजे दोपहर को आ जाएगी आपके पास, अच्छे से तुम्हें देखनी है, कमेंट भी करना है और इन ये सभी क्वेश्चन आपके काम के लिए भैया होमवर्क के लिए है, तो भैया अच्छे से करना है और सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर चाहिए।